स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है कि एक प्रसव पीड़िता महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए टॉयलेट में पर्दे की आड़ में जन्म देना पड़ा। इस दौरान यदि महिला को कुछ हो जाता तो क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी लेता? आखिर किसकी जवाबदेही होती? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं होगा। छतरपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसूता को जिला अस्पताल में भर्ती करने की जगह उसे अस्पताल से भगा दिया गया। बस स्टैंड पर गांव जाते समय उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ी तो उसे टॉयलेट में पर्दे की आड़ में बच्चे को जन्म देना पड़ा। प्रसूता के पति का आरोप है कि उसे बाढ़ मलेहरा अस्पताल में एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल में पीएम मोदी के आगमन के पहले मॉक ड्रिल चल रही थी, इस वजह से उसे अस्पताल से भगा दिया गया। हम छतरपुर में आए थे, अपने जिला छतरपुर में अस्पताल में नहीं देखा सर, अभी नहीं देख रहे, कागज भी फेंक दिए थे। क्या पता हमको, क्या पता उनका क्या कारण है। बस स्टैंड के पास, शौचालय के पास में बाहर ही आए। यहाँ डिलीवरी हो गई सर, कहाँ पे? शौचालय के पास सर। हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया, काफी देर में आई, ये सरकार की गलती है। प्रसूता को अस्पताल में भर्ती ना करने के मामले में सीएमएचओ का कहना है कि वो इस मामले की जांच कराएंगे, यदि किसी की गलती पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं जांच करवाता हूं, और ये बहुत ही गलत बात है। अगर वो जिला अस्पताल में आया और उसके पास जांच में उसका जिला अस्पताल का ओपीडी का पर्चा या भर्ती का पर्चा बना पाया गया और फिर इसके बाद उसको भगाया गया या वो भगा है, मैं पूरी जाँच इसकी इंक्वायरी करके अभी और इस पर कार्रवाई करूँगा।